हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत अपने कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर ये कार्ड के लिए अप्लाई केवल जो राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो पेंशनर हैं या फिर अभी अपनी जॉब कर रहे हैं, वो दोनों ही एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें, यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले एम्प्लाई का जो ज्वाइनिंग लेटर है, जिसमें डीडीयू कोड वगैरह, उसका पेमेंट और साथ ही यहाँ पर सेवानिवृत्ति की डेट वगैरह जो सारी चीज़ें लिखी हों वो चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का आधार कार्ड चाहिए, एम्प्लॉय पेंशनर जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पर उसके जितने डिपेंडेंट हैं, उसके अविवाहित बच्चे और उसकी बीवी, उनके यहाँ पर आधार कार्ड, साथ ही एक फ़ोटो चाहिए, एम्प्लॉय का भी एक फ़ोटो चाहिए। उसके बाद अगर उसका बच्चा या फिर बीवी कोई डिसेबल है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यानी जो कार्ड है उसे अप्लाई करने के लिए, आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें पंडित दीनदयाल कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना क्या है। तो ये एक उत्तर प्रदेश की योजना है, तो केवल उत्तर प्रदेश के जो राज्य कर्मचारी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर आयुष्मान का जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत हमारे आयुष्मान कार्ड बने थे, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं इनका आयुष्मान कार्ड बना होता है, वैसे यहाँ पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में जो रजिस्टर होंगे उनका भी यहाँ पर 5 लाख तक का प्रतिवर्ष यहाँ पर कैशलेस इलाज होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको कार्ड बनवाने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहीं पर आपको एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी है उसका मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप उनका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता आधार में कौन सा नंबर लिंक है, तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया गया है कि आप अपने आधार में लिंक मोबाइल नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन करेंगे myaadhar.udi.gov.in। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार में रजिस्टर्ड लास्ट 3 डिजिट आपको शो हो जाएंगे। तो वही वाला नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, 6 डिजिट का यहाँ पर ओटीपी रहेगा। वो ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे, ये डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ जरूरी सूचनाएँ आ जाएंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पूरा फॉर्म जो है केवल अंग्रेजी में भरना है, इसके अतिरिक्त कोई भी भाषा यहाँ पर स्वीकार नहीं होगी। और यहाँ पर जो स्टार दिया गया है वो यहाँ पर भरना कंपलसरी रहेगा। और यहाँ पर दिया गया है कृपया 7वें वेतन आयोग के अनुसार अपना पेमेंट सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा एम्प्लॉय हैं या फिर पेंशनर हैं। तो अगर आप रिटायर हो चुके पेंशनर हैं तो पेंशनर सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय अभी जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिपार्टमेंट यानी जो आपका विभाग है वो सिलेक्ट करना होगा कि आप किस विभाग में जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर सिंचाई विभाग है तो सिंचाई विभाग को यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस डिस्ट्रिक्ट देना होगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डीडीओ कोड भरना होगा। तो अगर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उस पर आपको डीडीओ कोड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं भी पता आपको डीडीओ कोड, तो जो आपके सीनियर हैं उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं आपका डीडीओ कोड क्या रहेगा। तो वो डीडीओ कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। डीडीओ कोड फिल करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट आपकी जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पर अभी आप काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें अगर आपकी कोई पोस्ट नहीं मिलती है तो लास्ट में आपको एक अदर का ऑप्शन मिलेगा। अदर पर क्लिक करके आप यहां पर अपनी जो पोस्ट है उसे मैनुअली फिल कर पाएंगे। जैसे अदर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक कॉलम बढ़ जाएगा, तो उसमें आप अपनी पोस्ट को यहां पर देख सकते हैं डेजिग्नेशन, इसमें फिल कर देंगे। तो हमारा इस लिस्ट में नाम है पोस्ट का, तो हम उसे ही सिलेक्ट करेंगे, ट्यूबवेल ऑपरेटर। उसके बाद यहां पर पेमेंट सिलेक्ट करना है, तो अगेन से आपका पेमेंट आपके ज्वाइनिंग लेटर में ही मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप अपने सीनियर से बात करके अपना जो पे लेवल है उसे कंफर्म कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको अपना करेक्ट पे लेवल को सिलेक्ट करना है। तो
तो हमारे यहाँ पर पे लेवल 4 है, तो 4 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑफिस का नाम देना होगा, तो जिस भी ऑफिस में आपकी अभी ड्यूटी लगी हुई है उस ऑफिस का नाम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक का नाम यानी जो कर्मचारी है उसका नाम यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रिटायरमेंट डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी का जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर्मचारी के पिता का नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। जो हमने मोबाइल नंबर पहले कंफर्म किया था, जो वेरीफाई किया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी दर्ज कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी का आधार नंबर दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है एज पर आधार, तो आधार में जो आपका एड्रेस है उस हिसाब से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब आपने ऊपर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था वो आपका पोस्टिंग का डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग है। उसके बाद जो नीचे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये हमारा आधार के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपका जो आधार में क्या है एड्रेस। उसके बाद आधार के अकॉर्डिंग आपका पूरा पता यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का एक फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पर 170x137 रहेगा, जो मिनिमम 20 KB का होना, जो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, यानी अधिकतम 20 KB का होना चाहिए। फोटो 20 KB से नीचे नीचे होना चाहिए। तो फोटो का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे रिसाइज करना है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो को कुछ इस तरीके से जो भी फोटो है आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको इसे राइट क्लिक करना है। उसके बाद एडिट करेंगे। एडिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो पेंट में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा। रिसाइज पर क्लिक करेंगे, पिक्सल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर साइज दे रखा है 170x137, तो यहाँ पर फिल करेंगे 170, और यहाँ पर इसे ये लिखा हुआ है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, इसे अनटिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 137 इसे ओके करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब हम इस फोटो को यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। फोटो को हमने सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, अगेन से डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछी जाएगी। एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आप मॉडिफाई या फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसे ओके कर देंगे अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक है तो। ओके करने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपकी फोटो से लेकर बाकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो भी अब तक आपने फिल की है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू ऐड डिपेंडेंट, तो अगर आपकी बीवी बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो इसे यस करेंगे। तो यहाँ पर आपको हमेशा यस ही करना है। अगर आप केवल अकेले ही हैं, सिंगल हैं, तो इसे नो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली है, बच्चे वगैरह हैं जिन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो उसे यस करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमें एम्प्लॉय के जितने भी डिपेंडेंट हैं उनका डिटेल्स को बारी बारी से फिल करना होगा। तो सबसे पहले अगर डिपेंड जो एम्प्लॉय है उसकी कोई वाइफ है तो उसकी डिटेल्स को सबसे पहले फिल करेंगे। यहाँ पर नाम फिल करेंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फादर नेम फिल करेंगे, अगर पति है तो यहाँ पर स्पाउस सेलेक्ट करेंगे एंड पति का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पर आधार नंबर जिसकी डिटेल्स हम फिल कर रहे हैं डिपेंडेंट की, उसी का आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉय या फिर पेंशनर है उससे रिश्ता सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, तो अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। कोई मंथली इनकम है तो फिल करेंगे, अदरवाइज इसे 0-0 फिल कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में पत्नी है तो मैरिड ही सिलेक्ट करेंगे, हैंडीकैप है तो यस करेंगे। यस करने के बाद परसेंटेज वगैरह का कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, नहीं है तो यहाँ पर इसे नो कर देंगे। उसके बाद अगर डिसेबल है पर्सन तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जो मैक्सिमम आप 200 KB तक अपलोड कर पाएंगे। अगर डिसेबल नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, यानी जो फोटो है, तो यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऐड डिपेंडेंट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा फोटो का इशू है, हमें फोटो उसी तरीके से इसे भी एडिट करना पड़ेगा। एडिट में जाकर अभी देख सकते हैं हमने जैसे ही फोटो एडिट करके डिपेंडेंट ऐड किया, तो यहाँ पर डिपेंडेंट की डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से जितने भी डिपेंडेंट होते हैं कर्मचारी के ऊपर, जैसे हमने फर्स्ट ऐड किया, ऐसे ही एक एक करके सारे डिपेंडेंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमारे केस में 2 डिपेंडेंट थे, हमने दोनों ही ऐड कर दिए हैं, उनकी वाइफ और बच्चे को। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करना हो, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगेन से यहाँ पर कन्फर्मेशन पूछी जाएगी, इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
सबसे पहले जो हमने पर्सनल डिटेल्स फिल की थी वो आ जाएगी, उसके बाद जो फैमिली मेम्बर हैं वो आ जाएंगे, सबसे पहले एम्प्लॉई, उसके बाद उसकी वाइफ और बच्चे जो भी आपने ऐड किए हैं सबकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है लगभग कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे यहाँ से प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करने के लिए यहाँ ओके करेंगे। ओके के बाद यहाँ पर इस प्रिंट को यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद सारी डिटेल्स को वन बाई वन एक एक डिटेल्स को आपको ध्यान से चेक करना है। अभी यहाँ पर जो हमारा ये ड्राफ्ट प्रिंट है इसमें अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी करेक्शन हो जाएगा, मैं आगे आपको बता दूंगा करेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर नीचे नोट दिया हुआ है, भरे हुए आवेदन पत्र की छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, DDO द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसमें प्राप्त लिंक पर क्लिक करके KYC पूर्ण करने के पश्चात आप अपना स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में एक वीडियो बना दूंगा, आपको हेल्थ कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। फिलहाल हमारा यहाँ पर ये ड्राफ्ट प्रिंट आ चुका है, अब ड्राफ्ट प्रिंट को चेक कर लेंगे जब भी आप ध्यान से। तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो एक प्रिंट निकलेगा तो उसे आप जो भी आपके सीनियर इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके पास जमा कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म है DDO द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। कार्ड डाउनलोड करने के ऊपर हम वीडियो जल्दी ही लाएंगे जिसमें आप पूरी डिटेल में सीख पाएंगे कि आपको कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगर आपका दिक्कत आ रही है या फिर कभी एरर हो जाता है, यहाँ पर कट हो जाता है या फिर आप प्रिंट निकालने के बाद आप किसी सीनियर से चेक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेप को कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगेन से आपको आगे की प्रोसेस को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट अप्रूव्ड एप्लीकेशन, उसके नीचे यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना है, अब यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है एम्प्लॉई का। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो एम्प्लॉई का आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, तो यहाँ पर OTP को वेरीफाई करेंगे सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने सबमिट OTP किया तो आप देख सकते हैं हमारी डिटेल्स जो हमने अभी सबमिट की थी वही सारे डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। अब इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अगेन से हमें आगे फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करना है, जो भी डिटेल्स को करेक्शन करना चाहें वो करके डिटेल्स को करेक्शन, और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और बाकी हमारे आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंट ऑलरेडी ऐड है, इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारी वही ड्राफ्ट वाला पेज अगेन से ओपन होकर आ जाएगा। अब अगर आपको सारी डिटेल्स ठीक लग रही है तो यहाँ पर सबमिट कर दीजिए, सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो प्रिंट निकले वो आप अपने सीनियर के पास जमा कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।